खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के कैटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। खंडवा जिले के हरसूद में सुने मकान से चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया। परिवार के लोग मेले में दुकान लगाने के लिए बाहर गए हुए थे। परिवार के लोग जब लौटकर आए तो चोरी की वारदात का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। साथ ही अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंट्रोल रूम में वारदात का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रकाश परिहार ने बताया कि थाना हरसूद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 सिंगाजी कॉलोनी छनेरा में निवासरत दंपति कुंताबाई पति निर्भय सिंह अपने परिवार सहित मेले में कटलरी की दुकान लगाने के लिए गए हुए थे। मेले से वापस आए तो देखा तो उनके स्वयं व बहू के सोने चांदी के जेवरात कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। फरियादी कुंताबाई की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 710 धारा 454-380 का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हरसूद पुलिस तत्काल हरकत में आई है। चोरी में गए मृषुका के बारे में फरियादीता कुंताबाई व उसके परिजन से पृथक पृथक से पूछताछ कर ज्ञात हुआ। फरियादी के दो मंजिला मकान के निचले हिस्से से किरायेदार कान्हा नाई अपने परिवार के साथ रहता है, किंतु घटना के बाद से परिवार सहित घर से नदारद था, जिस पर फरियादी से भी अचानक गायब हो जाने से संदेह जाहिर हुआ। किरायेदार के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि अपने ससुराल ग्राम खेरखेड़ा में देखा गया है। किरायेदार कान्हा उर्फ कन्हैया सेन, पिता दीपक सेन, जाति नाई, उम्र 32 साल एवं उनकी पत्नी मधु से पूछताछ की गई। कान्हा उर्फ कन्हैया सेन से पूछताछ कर बताया कि मकान मालिक कुंताबाई पति निर्भय सिंह के परिवार सहित मेले में जाने के बाद का सुना घर से होने से शाम करीब 5 बजे मकान मालिक के घर के सामने की खिड़की से अपनी 8 वर्षीय लड़की को प्रवेश कराकर अलमारी से रखे हुए सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे। आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया सेन से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात 100% बरामद किए गए हैं एवं आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। थाना हरसूद के मोहल्ला क्रमांक 10 में कांताबाई पति निर्भय सिंह, इनका दो मंजिला मकान है। ये लोग बुरहानपुर मेले में गए हुए थे, 26 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक रहे। जब वो वापस घर आए तो घर के अंदर उन्होंने देखा अलमारी में उनके सोने चांदी के जेवरात उनको नहीं मिले। इसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि उनके जो पीछे किराएदार रहता था कान्हा और कन्हैया पिता दीपक सेन, वो भी घर पर नहीं मिला। इन लोगों ने आकर के रिपोर्ट की थाना हरसूद में। थाना हरसूद में चोरी का अपराध कायम किया गया। बाद में इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि ये किराएदार घर पर नहीं है, जब उसके पते पर जाकर के देखा गया बावड़ी मोहल्ला मूनी में, वहाँ पर भी नहीं मिला। वहाँ पता चला कि वो अपनी ससुराल खेरखेड़ा में है। जब खेरखेड़ा से उसको लाया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि सूना घर था। सूना घर में मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ सामान होगा, तो उसने पीछे की खिड़की खुलवा करके अपनी 8 वर्षीय बालिका को अंदर कुदाया और उसने वो सामान चोरी किया। और हरसूद पुलिस में 24 घंटे के अंदर आरोपी के कब्जे से 2 लाख का जो सोने चांदी के जेवर थे, सभी 100% बरामद कर लिए गए हैं। क्योंकि उसको समय नहीं मिला, अगर समय मिलता तो वो खुर्द-बुर्द कर सकता था। सर कितने आरोपी हैं इसमें? सिंगल आरोपी हैं, कान्हा और कन्हैया, पिता दीपक सेन, 32 वर्ष निवासी बावड़ी मोहल्ला मुंदी। चोरी करके सर भागा क्यों, था किसी ने देख लिया था या? नहीं, सूना मकान था। सूना मकान में उसका काम हो गया तो अपने गाँव चला गया वो। जब मालिक ने आके देखा कि मेरा चोरी हो गई है और ये किराएदार भी नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट की और पुलिस ने इस बात को गंभीरता से लिया कि ये व्यक्ति कर सकता है। जब पता किया तो उसके पते पर ना होकर के वो अपने ससुराल में पाया गया, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बोला कि सुना मकान था, इसलिए मैंने चोरी कर ली। सर